कोमा की बिजली से चलने वाली स्कूटी बाइक स्कूटर का एक विश्वसनीय नाम खरीदने के लिए पधारें कोमा की सिद्ध योगी इंटरप्राइजेज विस्को रिसोर्ट के पास मंडी। आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो प्रयास किया है और उस ओर जो है इन्होंने जो है काफ़ी कदम उठाए हैं। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में जो है तीन डिस्ट्रिक्ट जो हैं शिमला, हमीरपुर और जो कांगड़ा है उसको टोटल सरकारी जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां इन तीनों ज़िलों में जो है खरीदी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश भी दिए हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, चार्जिंग पॉइंट्स है, वहाँ पर कोई राउंड अबाउट 25 स्टेशंस की जो है 50 स्टेशंस की जो है वो चार्जिंग स्टेशंस की ज़मीन ट्रांसफ़र करके और चार्जिंग स्टेशन को जो है तैयार करने की जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। हिमाचल सरकार ने 150 इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने का भी फैसला किया है, 150 सरकारी बसों को जो है वो खरीदने का भी फैसला किया है, ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं और टोटल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उनकी जो गाड़ियां हैं सरकारी गाड़ियां हैं वो टोटल इलेक्ट्रिकल गाड़ियां होंगी। और मुख्यमंत्री जी ने शायद 31 मार्च जो है वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के निर्देश दिए। कुछ गाड़ियां, 3 गाड़ियां आ चुकी हैं, 15 गाड़ियां जो है वो लगभग कोई अगले महीने या मार्च के लास्ट में जो है वो गाड़ियां आ जाएंगी। इसी तरह से इससे ये भी होगा कि हमारे जो है पैसा जो है वो भी जो गाड़ियों की मेंटेनेंस पे जो है और वो खर्चा भी कम होगा और एनवायरनमेंट जो हमारा है वो भी उसकी भी जो है रक्षा होगी। जैसे हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी राज्य है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है हमारी पहली प्राथमिकता है। अब जैसे शिमला में भी, शिमला जो शहर है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। अभी पिछली सरकार ने इलेक्ट्रिकल बसेस बहुत थोड़ी यहाँ पे इस्तेमाल यूज़ की थी, अराउंड अबाउट 50 बसें इन्होंने की थी, मगर उसकी फ्लीट को जो है वो बढ़ाएंगे। शिमला, हमीरपुर एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है फर्स्ट फेज़ में जो है इसमें टोटल सरकारी अधिकारियों की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल होंगी, बसेस इलेक्ट्रिकल होंगी। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।